गाइज, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 6 ऐसी एक्सरसाइजेस जो आपके टमी को बिल्कुल फ्लैटन कर देंगी, आपके एब्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप बिगनर हैं, आज से पहले आपने कभी वर्कआउट नहीं करा और आपको लगता है वर्कआउट करना बहुत मुश्किल है, तो आज की वीडियो देखने के बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी, क्योंकि आज आपसे मैं बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज शेयर करूंगी जिसको आप इजिली किसी भी टाइम, सुबह, शाम, रात, सोने से पहले कभी भी फॉलो करो। कोई टाइम लिमिट नहीं होती एक्सरसाइजेस की। आप बहुत ज्यादा पूछते हैं कब करें, तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। दिन में 4 बार करें या दिन में 10 बार करें। और खाना खाए हुए अगर आपको 1 घंटा हो चुका है तो आप कभी भी वर्कआउट कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और वर्कआउट से पहले आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि आपको क्या पीना है जिससे कि आपकी बॉडी में एकदम से एनर्जी आए, आपको आलस ना आए और आप फटाफट से वर्कआउट कर पाएं, और वर्कआउट के बाद हमें क्या खाना है वो भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो इतना ही पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और इंस्टा पे मुझे फॉलो जरूर करना, @ishamehra। तो जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं तो उससे पहले आपको पीनी है ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी कैसे पीनी है आपको, इसके लिए बस कुछ नहीं करना, एक कॉफी का सेशन लेना है। कॉफी का सेशन नहीं है, लूज कॉफी है, तो 1 चम्मच ब्लैक कॉफी ले लीजिए आप। उसके बाद आपने इसको 1 ग्लास गर्म पानी में डाल देना है, मिक्स करना है और उसके बाद इसको सिप सिप करके पी लेना है। ये आपके बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देगी जिससे कि आप बहुत अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे, आपको थकान फील नहीं होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कॉफी पीने से 1 घंटा पहले आपको बनाना, एप्पल या कुछ भी हल्का फुल्का जरूर इंटेक करना है। अगर वेजिटेरियन है तो बनाना जरूर इंटेक करें, क्योंकि बनाना खाने से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। खाली पेट अगर वर्कआउट करेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे, आपका स्टेमिना बिल्कुल नहीं रहेगा और आपके मसल में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, अब इसको कॉफी पीने के 10 मिनट बाद हमें करना है वर्कआउट, जो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से लेट जाना है, अपने कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जो भी आपके घर में हो। उसके बाद अपने हील्स को इस तरीके से ऊपर उठाइए, अपनी हाफ लेग्स को। उसके बाद हमें अपना हील टच करना है, हैंड्स को आगे लेके जाना है। वन बाय वन आपको ऐसा 20 टाइम्स करना है, और 20 टाइम्स के आपको करने हैं कम से कम 5 सेट। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप अपनी लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेट कर लीजिए। अब आपने अपने टोज को टच करना है, अपनी बॉडी को ऊपर लेकर जाना है इस तरीके से, अपने हैंड से अपने टोज को टच करना है, फिर वापस आना है। ऐसा आपको 20 बार करना है और इसके करने हैं आपको 5 सेट। रिलैक्स हो जाइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से 1 लेग ऊपर लेके जाना है, और ऑपोजिट हैंड से आपने उसका टो टच करके देन बैक, आपका हैंड भी पीछे चला जाएगा और आपकी लेग भी डाउन हो जाएगी। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 करके 20 करने हैं और उसके आपको करने हैं 5 सेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सारी एक्सरसाइजेस में आपने अपनी मसल को, यानी अपने जो टमी है उसके कोर को बिल्कुल एंगेज करके रखना है, टाइट करके रखना है। और ब्रीथिंग जब आप ऐसे करेंगे तो आप ब्रीथ इन करेंगे और जब नीचे जाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। अदर लेग पे करेंगे।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने घुटनों को बिल्कुल अपने फेस के पास ले जाते हुए, अपने पूरे हिप को ऊपर ले जाते हुए, अपने हैंड्स को डाउन रखना है, देन पैरों को उसके बाद नीचे टच करना है, जस्ट टोज को ऐसे टच करना है, देन वापस ऐसे आपको थोड़ा स्पीड से करना है, ठीक है? ऐसे ऐसे आपको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 5 सेट। जब आप अपने लेग्स को ऊपर लेकर आएंगे तो आप ब्रीथ इन करेंगे, जब नीचे लेकर जाएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे। ब्रीथिंग बहुत मस्त होता है, टमी के मसल्स को जल्दी स्क्वीज करता है, आपको कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और प्लीज ये सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी है, इनके रैप्स भी आपको सेम फॉलो करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है इस तरीके से, और अपने बॉडी को भी ऐसे ही करना है। हैंड्स आपके बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, आपके टोज आगे रहेंगे, आपने पेट की मसल को बिल्कुल स्क्वीज करके रखना है इसमें, और आपको कम से कम 10 सेकंड्स के लिए मिनिमम होल्ड करना है, और डे बाय डे आपको अपना होल्डिंग टाइम इंक्रीज करना है। सपोज आपने मॉर्निंग में किया वर्कआउट, तो आप 10 सेकंड्स होल्ड करें, इवनिंग तक पहुंचते 15, देन 20, ग्रेजुअली आपने डे बाय डे काफी अपना मैक्सिमम अपना बेस्ट देना है। जितना बेस्ट देंगे उतना जल्दी आपके रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, इसमें आपको ब्रीथ होल्ड करके रखना है, अपने टमी को टक करके रखना है अंदर, देन उसके बाद जब आप रिलैक्स होंगे तो आपको ब्रीथ आउट करना है और टमी को रिलैक्स करना है, ठीक है? इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने अपनी लेग्स को इस तरीके से ऊपर रखना है, अपने हाथों को पीछे लेकर जाना है, देन वन इस तरीके से अपनी एल्बो से अपने नी को टच करते हुए लेग को फिर आगे लेके जाइए, देन दोबारा उसको पीछे लेकर आइए, अदर लेग को फिर आगे, देन अदर लेग को पीछे। इस तरीके से आपने वन बाय वन अपनी एल्बो से अपनी नीज को टच करते हुए इसको 20 टाइम्स करना है, और इसके आपको करने हैं मिनिमम 5 सेट्स। तो प्लीज़ इसको स्टार्ट करते हैं, और अगर आपसे हवा में इस तरीके से मतलब बैलेंस नहीं किया जा रहा है ऊपर मैट से, तो आप इस तरीके से पैरों को रखते हुए नीचे, देन पीछे, देन उठाएंगे लेग, अदर लेग, फिर अदर लेग, ऐसे वन बाय वन हम टच करेंगे। लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने 2 डेज के अंदर अपनी लेग्स को ऊपर उठाना है, क्योंकि जब आप अपने लेग्स को ऊपर होल्ड करेंगे तब आपके टमी एरिया पे ज्यादा लोड पड़ेगा और वहां का फैट लूज होगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेट को स्क्वीज करके रखें, ये हमारी नेक्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है? तो इसके लिए हमें सेम करना है, 20 करेंगे 20 टाइम्स और इसके करेंगे 5 सेट। सारी एक्सरसाइज को आपने 20 टाइम्स रिपीट करना है, हो सकता है मैंने वन साइड करके दिखाया हो, आपको दोनों साइड्स पे करना है और उसको 5 सेट्स करने हैं, यानी 20 करके ऐसे आपको 5 बार रिपीट करना है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपने हैंड रखने हैं, ओके? देन उसके बाद आपको अपने टोज पर आना है, टोज पर आने के बाद अपने वन लेग को ऐसे अदर साइड पे एल्बो पे टच करना है, फिर अपनी सेम हाथ पे, देन बैक, ठीक है? पहले अपने अपने आर्म्स पे लेके जाना है अदर ऑपोजिट साइड, फिर सेम आर्म पर, देन बैक, ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है लेफ्ट साइड, और 20 टाइम्स ये आपको करना है राइट साइड, ठीक है? दोनों साइड आपको ये फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप लेग को अंदर लेकर जाएंगे, अपने एल्बो से टच करेंगे तो ब्रीथ इन करेंगे, बाहर लेकर आएंगे तो ब्रीथ आउट करेंगे।
गाइस यहाँ पे खत्म होता है हमारा कंप्लीट वर्कआउट। तो अब आपने क्या करना है, इसको डेली फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आप मुझे अपनी वीडियोस भी भेज सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर की, कि आपका टमी ये है, आप चैलेंज एक्सेप्ट करे हैं 1 मंथ का, 15 डेज में नहीं देने वाले क्योंकि आपको 1 मंथ इसको फॉलो करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपकी बॉडी पे जो रिजल्ट आए आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। डेफिनेटली मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपकी क्लिपिंग्स लेकर आऊंगी, तो अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, डेफिनेटली मैं उसके पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे आंसर्स क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।